वेलकम टू माय चैनल एंजल वर्ल्ड। सो गाइस, मैं नेहा आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आई नो आपने थंबनेल में या टाइटल में ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। यस गाइस, आज मैं आपको एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। सो गाइस, बेसिकली जो मैं कहानी आज आपको सुनाने वाली हूँ वो एक रियल इंसिडेंट स्टोरी है जो ऑलमोस्ट आज से कई सालों पहले हुई थी, जब मेरी मम्मा बहुत ज्यादा छोटी थी। बेसिकली ये मेरी मदर की चाइल्डहुड स्टोरी है और जो रियल स्टोरी है, जो उनका रियल एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था अपने चाइल्डहुड में, वो मुझसे शेयर किया है। आज मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो गाइज, बेसिकली ये जो रियल हॉरर स्टोरी है ये मेरी मम्मी की बताई हुई स्टोरी है। ये ऑलमोस्ट मेरी मम्मी जब 7 से 8 साल की थी तो ये एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी लाइफ में देखा था। सो बेसिकली गाइज, जो मेरी मम्मी जब छोटी थी तो वो हर समर वेकेशन में अपने भाई बहनों के साथ और अपने कजन के साथ नानी के यहाँ अपनी जाती रहती। हर बार की तरह एक साल फिर मेरी मम्मी जब गर्मियों की छुट्टी आई तो मेरी मम्मी अपने भाई बहनों के साथ और अपने कजन्स के साथ नानी के घर गए। बट ये जो साल था, इस साल वो जो नॉर्मल साल थे जिस तरह मम्मी इंजॉय करने जाती थी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। सो गाइज, बेसिकली ये जो स्टोरी थी जो मम्मी ने एक्सपीरियंस किया, वो उसकी कहानी मम्मी की नानी के घर के तीसरे घर से ये कहानी की शुरुआत हुई। सो गाइज, बेसिकली जो मम्मी की नानी थी उनके घर के 3 घर पहले, मतलब जो मम्मी की नानी का घर था उससे 3 घर छोड़ के एक घर था जिसमें एक छोटा सा बेबी ने जन्म लिया। एंड जन्म लेने के कुछ ही घंटों बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। सो गाइज, बच्चे की डेथ होने के बाद ऑलमोस्ट मम्मी बताती है कि 3 से 4 दिन के बाद जिन्होंने बेबी को बर्थ दिया था उनकी भी अल्टीमेटली डेथ हो गई। सो गाइज, डेथ होने के बाद बहुत सब नॉर्मल ही था जैसे होना था। गांव में उस टाइम पे एक रिचुअल होते थे, मतलब उस टाइम पे जैसे जो लोग मर जाते थे तो उनका जो अंतिम संस्कार होता था या जो उनकी समाधि बनाई जाती थी तो वो बेसिकली बाहर ना जाके अपने खेतों में ही या अपने बागों में ही बना देते थे। सो नॉर्मली जैसे सब गांव में रिचुअल्स होते थे वैसे ही नॉर्मली सब कुछ हुआ और उसके बाद उनके बेबी की और वो लेडी की जो समाधि थी उसी बाग में बना दी। सो गाइज, कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। यहां से जो वो चीजें थी, वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो पूरी स्टोरी थी, वो पूरी शुरू हो चुकी थी। गाइज, दोनों की जब डेथ हो गई, जब माँ बेटे की डेथ हो गई और जो वो माँ थी उसका एक छोटा बेटा और था जो ऑलमोस्ट 4 या 3 साल का होगा। सो गाइज, एक बार की बात है कि जब एक दिन रात हो गई, कुछ गांव वाले बाग से निकल रहे थे। उन्होंने किसी आवाज को सुना, लाइक जैसे कोई रो रहा हो या कोई चिल्ला रहा हो। और क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ थी, क्योंकि पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी और कुछ भी नहीं होता था। अगर कहीं कुछ कोई बोलता भी था तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती थी। कुछ दिन तक गांव वालों को ये एक्सपीरियंस होता रहा कि जब जब वो बाग से निकलते थे या जब जब उस खेत से जाते थे जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई थी, वहाँ से आवाज़ें आती थी। बट कुछ महीने बाद ये पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी थी, ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही थी ये बढ़ना शुरू हो गई। जिस घर में उस लेडी की डेथ हुई थी और उस बच्चे की डेथ हुई थी उनके घर के ही बाहर एक, मम्मी बताती है, पीपल का पेड़ था। गाइज, बेसिकली जब रात हो जाती थी तो उस पीपल के पेड़ से आवाज़ आती थी, राम विलास राम विलास।
तो गाइस राम विलास के बारे में आपको बता दूं, बेसिकली राम विलास उसका छोटा लड़का, बड़ा लड़का था जो उस औरत का बड़ा लड़का था जो कि मर चुकी थी। सो बेसिकली उसका 4 साल का जो बेटा था जो अभी जिंदा था उसके घर में, वो लेडी रात में उस पीपल के पेड़ में जो उसके घर के बाहर था उस पे बैठ के अपने बेटे को तेज तेज राम विलास के नाम से बुलाती थी। कुछ दिनों तक तो जब ऐसी चीजें हुई तो लोगों को समझने में कुछ टाइम लगा, लेकिन जब वो चीज कंटिन्यूअसली होती रही तो लोगों को एक डर लगना शुरू हो गया था। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। रात के अंधेरे में वो अपने रोज बेटे को रात में 2 बजे 3 बजे अपने बेटे को आवाज देती थी। बेसिकली उसका जो बड़ा बेटा गाइस था राम विलास, वो भी कहीं ना हद तक एक एबनॉर्मल स्टेट में आ गया था। वो बहुत अजीब हरकतें करने लगा था, दुखी रहने लगा था, खाना नहीं खाता था, एंड बात अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। सो बेसिकली अभी तक तो बात सिर्फ रात ही हो रही थी कि जब रात होती थी तो वो लेडी अपने बच्चे को बुलाती थी पेड़ पे बैठ के, लेकिन अब इंसिडेंट दिन में भी देखे जाने लगी थी। बेसिकली जिस बाग में उनकी समाधि बनी थी उस बाग में अगर भूल से भी कोई बच्चा कोई आदमी अगर कभी भी एक भी आम उठा लेता था तो बेसिकली वो बच्चा वहीं बेहोश होके गिर जाता था, वो आदमी वहीं बेहोश होके गिर जाता था और अल्टीमेटली उसकी काफी हद तक तबीयत खराब हो जाती थी। सो गाइस मेरी मम्मी बताती हैं कि जब अगर एक भी आम उस बाग का अगर कोई उठा के खा लेता था या ले जाता था तो बेसिकली वो जो लेडी थी वो लोगों को उठा उठा के पटकने लगती थी या उनकी हफ्तों तक तबीयत खराब रहती थी। तो बेसिकली जो गांव के पंडित होते थे जो समय तांत्रिक वगैरह होते थे उनकी मदद ली जाती थी, महीनों तक लोगों की तबीयत खराब रह जाती थी। बट जहाँ पे गांव वाले इतना ज़्यादा परेशान थे, और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होती थी, ये चीज़ जानवरों के साथ भी होती थी। अगर जो लेडी थी उसके घर का कोई व्यक्ति उस खेत में जाके खेलता था खाता था या उसके घर के जानवर जाते थे तो उनको कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि जो उसका लड़का 4 साल का था जो ऑलमोस्ट पागल हो चुका था वो कहीं हद तक वहां पे जाके नॉर्मल हो जाता था। वो जैसे ही अपने बाग में जाता था जहाँ पे उसकी माँ की समाधि थी वो एकदम नॉर्मल हो जाता था, वो खाने लगता था, वो खेलने लगता था, वो सब कुछ करने लगता था। लेकिन जैसे ही उसके फादर उसको घर लेके आते थे वो फिर से पागल हो जाता था, वो हर चीज भूल जाता था, वो खाना बंद कर देता था और एक पागलों जैसी हरकतें करना लगता था। सो बेसिकली गाइस ये सब चीजें जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी आपकी, ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी। हद तो तब हो गई जब अगर किसी और के जानवर भेड़ बकरी गाय या किसी की बैल अगर उस बाग में गलती से भी चली जाती थी और अगर चारा अगर कोई आम खा लेती थी या कुछ भी उसमें खड़ी हो जाती थी तो अल्टीमेटली वो गाय गिर जाती थी, वो जानवर भी वहां पे गिर जाते थे और गिरने के बाद उनकी धीरे धीरे तबीयत खराब होकर उनकी डेथ हो जाती थी। सो ये सब इंसिडेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। मम्मी ने मुझे ऐसा बताया था कि उस टाइम पे जब उन लोग वहाँ पे थे और उन लोग जब रात में वहाँ पे सोते थे तो उनको हर रात वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ रोज आती थी। सो गाइस हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर आप 2 बजे 3 बजे रात में सो रहे हो और कोई किसी को जोर जोर से आवाज़ दे रहा हो। आज के टाइम पे वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पंखे चलते हैं, हमारी एसी चलती है, कूलर चलते हैं, तो आवाज़ें इतनी दूर तक नहीं जाती हैं। बट गाइस क्या आप इमेजिन कर सकते हैं उस टाइम पे जब इलेक्ट्रिसिटी थी ही नहीं तो वो आवाज़ें कितना ज़्यादा कानों को छूती होंगी। तो
तो बेसिकली वो चीज़ें चलती रहीं चलती रहीं चलती रहीं, और फिर वेकेशंस ख़त्म हो गए और मेरी मम्मा का ऑलमोस्ट वापस आने का टाइम हो गया अपने घर में। बट पूरे गांव में इस चीज़ की आप बहुत ज़्यादा दिक्कतें फैलने लगी थी, क्योंकि अगर गलती से भी कोई इस बाग में चला जाता तो मार पड़ जाता था। अब लोगों के बीच में एक दहशत पड़ गई थी कि वो इस चीज़ों से कैसे उभरे। यहाँ तक कि उनके खुद के परिवार वाले भी उस चीज़ से परेशान हो गए थे कि वो इन सब से कैसे छुटकारा मिले। फिर बहुत समस्या के समाधान को ढूंढते हुए उनके फैमिली वाले और पूरे गांव वाले किसी तांत्रिक या किसी पंडित से उस समय पे मिले, जो कि बहुत ज़्यादा उस समय जाने जाते थे इन चीज़ों के लिए। सो मम्मी बताती है कि जब उनके पास सब गांव वाले और सब लोग गए तो उन्होंने बताया कि वो जो लेडी थी उनकी जो डेथ थी वो खुद से नहीं हुई थी, मतलब एक वो अननेचुरल डेथ थी। उन्होंने अपने शायद अपने बेटे के अपने बच्चे के दर्द में या दुख में उनकी जान चली गई थी। तो सबने तो उन जो पंडित थे उन्होंने बताया था कि जैसे ही उनका बड़ा बेटा 18 साल का हो जाएगा, या अगर उससे पहले उनकी माँ की जो जीवन की जो जिंदगी का जो समय था वो पूरा हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद वहां से चली जाएंगी। सो गाइस, जैसा कि पंडित जी के बताने के बाद कि वो जब उसकी जीवन रेखा जब पूरी हो जाएगी वो फीमेल की लेडी की, तो वो खुद ब खुद चली जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राम विलास बीमार रहता था, तो उसके फादर ने उसी के बाग में एक घर बना लिया और वो दोनों वहां पे रहने लगे। सो बेसिकली जब राम विलास अपने खेत में अपनी माँ की समाधि के पास दिन भर रहता रहा, तो उसकी माँ को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब मेरा बेटा मेरे पास है, वो अब सुरक्षित है। तो गाइस, जब उन्होंने घर बना लिया तो धीरे धीरे राम विलास की हालत में सुधार भी आने लगा, और धीरे धीरे क्योंकि उसका बेटा अब उसके पास था तो उसने गाँव वालों को सताना भी कम कर दिया। इस मीन्स कि अब वो गांव के अंदर नहीं जाती थी, अब वो पीपल के पेड़ में जाके अपने बेटे को नहीं पुकारती थी, क्योंकि उसका बेटा उसके बिल्कुल पास था। गांव में अब जो उसका औरत का आतंक था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा था। सो गाइज बेसिकली ये सब चीज़ें चलती रही एंड फिर मेरी मम्मी की शादी हो गई। एंड जब शादी करने के बाद जब मेरी मम्मी फिर से उस गांव में एक बार अपनी नानी से मिलने गई, तो फिर उन्हें पता चला कि ऑलमोस्ट 18 से 20 साल हो चुके थे, अब वो लड़का बड़ा हो चुका था, राम विलास एक बड़ा लड़का बन गया था। एंड अब वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस गांव में होती थी वो भी कम हो गई थी, और शायद अब उस लेडी का 18 से 20 साल बाद जब उसका लड़का बड़ा हो गया था तो वो सब चीज़ें बंद हो गई थी और शायद उसकी माँ वहाँ से जा चुकी थी। ये सब चीज़ें जो मेरी मम्मी ने एक्सपीरियंस किया था अपने चाइल्डहुड में, और जब उनकी शादी हो गई उसके बाद उन्हें जब ये सब पता चला, तो वो चीज़ें आज भी उनको वैसी की वैसी ही याद है, और वो इंसिडेंट डिक्टो उन्होंने मुझे बताया, और जो उन्होंने बताया एग्जैक्टली मैंने वो आपको यहाँ पे बताया है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ अपनी इमेजिनेशन इसमें क्रिएट करी है, कुछ बताया है। अगर आप मे बी अगर हम भगवान को मानते हैं तो शायद गोस्ट भी होते थे या कुछ तो होता था पक्का। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टूडेज रियल हॉरर स्टोरी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो, मेरी स्टोरी सच में अच्छी लगी हो, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आप मुझे कमेंट भी करना ताकि मैं आपके लिए और अच्छी और रियल स्टोरीज लाती रहूं। एंड गाइज, मैंने इस वीडियो से पहले एक चाली चाली गेम चैलेंज भी किया है, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप उसको भी देखिए। मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे ऊपर दे दूंगी। एंड टिल देन बाय।